आस्था के आंसू परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली के मशहूर कमल मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूँ। दिल्ली का ये कमल मंदिर दिल्ली के नेहरू प्लेस टर्मिनल से लगभग 50 कदमों की दूरी पर है। इसी मंदिर के साथ ही आपको कौन मंदिर और लगभग 3000 वर्ष पुराने कालका माई मंदिर के दर्शन लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं। एक पंथ दो काज, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ ये कहावत कुछ बदल जाती है, यानी एक पंथ तीन काज। तो आइए चलते हैं कमल मंदिर प्रांगण की ओर। मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे हैं ये दो शिलालेख, जिसमें एक धर्म को दर्शाता हुआ कुछ कह रहा है, दूसरा मंदिर के इतिहास पर प्रकाश डाल रहा है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के पूर्व ये देखिए प्राकृत पुष्पों की सुंदर मनमोहक झांकी। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने दिल खोलकर अपने लुहावने रंगों की छटा इस प्रांगण में बिखेर दी हो। यहाँ मंदिर में जाने के पूर्व अपने जूते चप्पलों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। प्लेन प्लेन की बंद कर दो ना, हैं आगे से होंगे। आगे बनाएंगे। ये रहा मंदिर की मुख्य इमारत का बाहरी दृश्य। दिल्ली के इस मंदिर में भारतीयों के साथ साथ हमारे विदेशी भाई बहन भी इस मंदिर के दर्शन लाभ प्राप्त करने दूर दूर से आते हैं। मंदिर की चारों दिशाओं में मंदिर के मुख्य उपासना हॉल के नीचे 9 तालाबों की मनमोहक रचना की गई है। 9 की संख्या सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है, इसीलिए यहाँ चारों ओर 9 मनमोहक तालाब बनाए गए हैं, जिनका एकदम साफ आसमानी रंग का पानी देखते ही बनता है। आजाद नहीं है, इधर देखो। यहीं पर स्थित है मंदिर के इतिहास को दर्शाती फोटो गैलरी। आ जाओ, आइए चलते हैं मुख्य उपासना हॉल की ओर। क्षमा करें,
इस हॉल के अंदर की फोटो लेना वर्जित है। इस कारण हम आपको इस उपासना हॉल के भीतर के दर्शन नहीं करवा सकते। अरे हाँ हाँ अलबुकर पकती है तो वही बस हाँ वो मंदिर नहीं जाते कितने तक ले प्लेन प्लेन की बंद कर दूंगा है आगे जो होंगे ले लिया जो दोस्तों और कोई इसी के साथ निखिल सक्सेना को आज्ञा दीजिए पुनः मिलूंगा तब तक के लिए जय हिंद वरे गुलाब।